करके उसको चैंटिंग करके आप उसमें आहुतियाँ डालें तो उस मंत्र से हवन से भी नेगेटिव एनर्जी समाप्त होती है। नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत अच्छा टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ और सबकी ज़रूरत की ये चीज़ है। बहुत बार लोग उनसे आके पूछते हैं कि सर क्या करें, घर की एनर्जीज़ को ठीक कैसे करें, घर का वास्तु ठीक कैसे करें, घर को पॉजिटिव कैसे करें, घर की प्रोटेक्शन कैसे करें। तो दोस्तों आज उसी टॉपिक को लेके मैं आया हूँ आपके लिए। हम जानेंगे घर की एनर्जीज़ को कैसे आप अच्छा कर सकते हो, पॉजिटिव कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हो, कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों एक तो अगर आपका घर अभी लेने का विचार है या आपका घर बनने वाला है, बन रहा है, तो वहाँ से शुरुआत करते हैं। अगर दोस्तों आपने कहीं प्लॉट ले लिया और अपना घर बनाने लगे हो तो बहुत अच्छी, बहुत सिंपल अच्छी चीज़ और इजी अवेलेबल होने वाली एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं फिटकरी। आप फिटकरी के कुछ पत्थर या उसका पाउडर बना के घर की नींव में, जो नीचे में ज़मीन की खुदाई होती है, उसमें अगर डाल दें तो बहुत अच्छी बात होती है। वहाँ से नेगेटिव एनर्जीज जो है हट जाती है, चले जाती है, भाग जाती है या उनका असर ख़त्म हो जाता है। तो मैंने आपको बताया कि फिटकरी का आप इस्तेमाल कर सकते हो नींव में घर की। इसके अलावा दोस्तों अगर लोगों की परेशानियाँ होती हैं, आजकल लोगों के पास स्पेस कम है, जगह कम होती है, तो ज़्यादातर लोग फ्लैट ले रहे हैं, फ्लोर ले रहे हैं। अगर आपका फ्लोर कहीं बन रहा है, आपकी बिल्डिंग कहीं बन रही है, आपने कोई फर्स्ट सेकेंड थर्ड फ्लोर कोई ऐसा लिया है जो बन रहा है, तो वहाँ पे भी बनते हुए आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हो। अदरवाइज़ एक और इससे अच्छा ऑप्शन हमारे पास है जिसको हम कहते हैं क्रिस्टल्स। दोस्तों क्रिस्टल एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपका जो आपका फ्लोर बन रहा है उसका अगर लेंटर नहीं डला है तो आप नीचे वाले जो आपका फ्लोर है या ऊपर वाला जो फ्लोर है आप उसके लेंटर में भी क्रिस्टल्स का उपयोग कर सकते हो। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो क्रिस्टल यूज़ होगा वो एमेथिस्ट आप यूज़ कर सकते हो। दोस्तों जैसे एमेथिस्ट आप देख भी रहे होंगे, मैंने पहना है, वायलेट कलर का ये क्रिस्टल होता है। आपको ये रॉक में भी मिल जाता है, पत्थर होते हैं, नेचुरल पत्थर होते हैं। आपको इसका पाउडर मिल जाए कहीं से तो बहुत अच्छी बात है, आप जैसे भी इसको डाल सकते हो। तो आप अपने घर की जो लेंटर है उसमें क्रिस्टल का उपयोग कर सकते हैं, फिटकरी का उपयोग कर सकते हैं। नमक के पत्थर आपको मिल जाए तो नमक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये कोई बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। दोस्तों ये जो भी क्वांटिटी है 2 किलो से लेके 20 किलो तक की क्वांटिटी एक छोटी फैमिली के लिए जो होता है 2 BHK 3 BHK के मकान के लिए इनफ रहती है। अगर इससे बड़ा मकान बन रहा है तो उसके बाद आप 20 किलो से ज़्यादा भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों जिन लोगों के घर बन चुके हैं, आप जिन घरों में रहते हैं उनकी एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए क्या करें, दोस्तों बहुत सारे क्रिस्टल्स के पिरामिड आते हैं, एमेथिस्ट की क्रिस्टल के पिरामिड आते हैं, एमेथिस्ट क्रिस्टल के पिरामिड भी आते हैं जो आप घर के कोनों में लगा सकते हो, दीवारों में लगा सकते हो, आप कहीं नीचे रख सकते हो, ऊपर कहीं सेंटर में इसको लगा सकते हो। इसकी बॉल्स आती हैं, एमेथिस्ट नेगेटिव एनर्जी को मारता है, ख़त्म करता है, तो आप इसकी बॉल्स को लगा सकते हो। दोस्तों अगर आपको पता है कि घर का साउथ वेस्ट हिस्सा कौन सा है तो वहाँ पे आप क्रिस्टल की बॉल और पिरामिड ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये सबसे बेस्ट तरीका होता है घर की एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए। घर में आप अगर साउथ वेस्ट में एमेथिस्ट क्रिस्टल रख देते हैं, वहाँ लगा देते हैं, बॉल लगा देते हैं, तो घर में नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश नहीं होता। दोस्तों इसके अलावा आप घर की जो एंट्रेंस है वहाँ पे भी एमेथिस्ट का उपयोग कर सकते हैं कि घर के अंदर प्रवेश ना हो किसी भी नेगेटिव एनर्जी का। तो घर का गेट है, घर की जो एंट्रेंस है, एंट्री करने से पहले का जो कदम है, वहाँ कहीं पे आप जगह बना के, बहुत से लोग तो आजकल जो वुड का दरवाज़ा होता है उसके अंदर एमेथिस्ट की बॉल को फंसा देते हैं, लगवा लेते हैं, है ना। तो आप एमेथिस्ट का उपयोग कर सकते हो, क्योंकि एमेथिस्ट जो क्रिस्टल हैं वो नेगेटिव एनर्जी को मारने का ही पत्थर है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको अपने घर की एनर्जी अच्छी नहीं लगती तो आप अपने घर पे नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों जो नमक होता है, नमक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, नेगेटिव एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है, ख़त्म करता है, नमक से मिलते ही नेगेटिव एनर्जी समाप्त होनी शुरू हो जाती है। दोस्तों घर में जो नेगेटिव हिस्सा माना जाता है, घर का जो बाथरूम होता है वो घर का नेगेटिव हिस्सा माना जाता है, और उस नेगेटिव हिस्से में अगर आप नमक रख दें
तो इसमें कई तरह से आप नमक रख सकते हो। आप उसमें जो है सेंधा नमक है उसका जो पत्थर पिंक कलर का जो पत्थर आता है वो भी रख सकते हो वैसा का वैसा, अदरवाइज उस नमक को पीस के भी रखा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों आप जो वाइट नमक है उसका भी उपयोग कर सकते हो, समुद्री नमक का भी उपयोग कर सकते हो आप एक कटोरी में बाउल में। और बहुत बार कहा जाता है कि आप शीशे के बाउल में रहोगे तो बहुत अच्छी बात है, जिसमें वहाँ की एनर्जीज बैलेंस होना शुरू हो जाती है। आपके घर में नेगेटिव एनर्जीज हैं तो आप नमक का पोछा लगवा सकते हो अपने घर में। नमक का पोछा लगने से भी नेगेटिव एनर्जीज कम होती है, ख़त्म होती है। दोस्तों जिस घर में डेली पूजा पाठ होता है उस घर में नेगेटिव एनर्जी ईजिली प्रवेश नहीं कर सकती, रुक नहीं सकती, टिक नहीं सकती। तो आप अपने घर में अपने मंदिर को साफ सुथरा रखें, वहाँ पर पूजा पाठ करें, उससे भी नेगेटिव एनर्जीज का बहुत फ़र्क पड़ता है, वो नेगेटिव एनर्जीज वहाँ कार्य नहीं कर पाती। और आप घर में जितना हो सके आप वहाँ पे दिया, जोत, धूप, अगरबत्ती, कपूर जला सकते हैं, इन सब चीज़ों से भी नेगेटिव एनर्जी भागती है, निकल जाती है। आप घर में छोटा मोटा हवन कर सकते हैं, कोई दिवाली, होली, कोई त्यौहार है, कोई पूर्णिमा है, अमावस है, कोई छोटा सा हवन करें, उस हवन से भी आपके घर की एनर्जीज बैलेंस होना शुरू हो जाती है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको हवन आता है या नहीं आता, आपको थोड़ा बहुत भी आता, अधूरा भी आता, गलत भी आता, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, आपका विश्वास होना चाहिए, आपकी इंटेंशन प्योर होनी चाहिए कि आप किसी अच्छे काम के लिए हवन कर रहे हैं। आप कोई भी मंत्र, जो मंत्र आपको अच्छा लगे उस मंत्र को आप 108 नाम से या आप 1008 नाम लेके उसको चैंटिंग करके आप उसमें आहुतियाँ डालें तो उस मंत्र से हवन से भी नेगेटिव एनर्जी समाप्त होती है। दोस्तों गूगल लोबान होता है उसका मिक्सचर मिलता है, उसको जलाने से नेगेटिव एनर्जी ख़त्म होती है। कपूर जलाने से आजकल तो पूरे बने हुए छोटी छोटी टिक्कियाँ आती हैं ब्लैक कलर की, जिसको पंचजन्य कहते हैं, कई कंपनीज की वो टिक्कियाँ हैं। कपूर थोड़ा सा उसमें डाल के, गूगल लोबान डाल के उसको जला दिया जाए डेली तो भी आपके घर के अंदर की नेगेटिव एनर्जी समाप्त हो सकती है। दोस्तों मैंने बहुत से आपको छोटे बड़े आज उपाय बताए घर की नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करने के लिए, आशा है आप इसका इस्तेमाल करोगे। आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई सवाल है आपका तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं, कोई भी सवाल आप पूछना चाहो पूछ सकते हो, कोई चीज़ आपको नहीं समझ आए तो पूछें। हमारे बारे में और जानने के लिए हमारी वेबसाइट आप देख सकते हैं aadhyatmikvikasmission.com। हमारे बहुत से फ्री कैंप्स होते हैं, हीलिंग मेडिटेशन कैंप्स होते हैं, थर्सडे हम बहुत सारे सर्विसेज आपको फ्री देते हैं, उसकी जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया।